स्वागत है आपका बिक्रम सिंह बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। काबुल एयरपोर्ट के मिलिट्री एरिया में घुसा तालिबान, तालिबान की स्पेशल 313 बदरी फोर्सेस यूनिट का कब्जा। अब तक काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना का कब्जा था, धमाके के एक दिन बाद एयरपोर्ट पर तालिबान का कब्जा। व्हाइट हाउस ने जताई काबुल में एक और आतंकी हमले की आशंका, व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव का बयान, कहा राष्ट्रपति बाइडेन की सुरक्षा टीम ने दी चेतावनी। अमेरिकी पेंटागन के मुताबिक काबुल हमले में था केवल एक ही आत्मघाती हमलावर, एयरपोर्ट और होटल के आसपास नहीं था कोई दूसरा आत्मघाती हमलावर। काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात नजर आए स्पेनिश सैनिक, आतंकी हमले के बाद अपने लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए बढ़ाई चौकसी। तालिबान के डर से अफगानी फिल्म मेकर रोया हैदरी ने छोड़ा देश, ट्वीट करके लिखा, दुखी मन और मरी हुई आत्मा के साथ छोड़ रही हूं देश, मैं फिर से करूंगी जीरो से शुरुआत। पंजशीर के शेर की तालिबान और पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पंजशीर घाटी में घुसने की कोशिश की तो कम पड़ जाएंगे, शव ले जाने के लिए ताबूत, हम लोकतंत्र और मानवता के लिए लड़ेंगे। पंजशीर घाटी में नॉर्दर्न अलायंस को बड़ी संख्या में मिल रहा है लोगों का समर्थन, तालिबान को दूर चटाने के लिए भारी तादाद में ग्रामीण ज्वाइन कर रहे हैं नॉर्दर्न अलायंस। पंजशीर घाटी में तालिबान को कड़ी टक्कर दे रहे हैं नॉर्दर्न अलायंस के शेर, बॉर्डर पर तोप और भारी भरकम हथियारों के साथ तैनात। पंजशीर घाटी के हर गांव में तैयार हो रहे हैं लड़ाके, सेना की वर्दी में ले रहे हैं मिलिट्री ट्रेनिंग, नॉर्दर्न अलायंस के साथ तालिबान को देंगे टक्कर। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिक के साथ खेलता नजर आया अफगानी बच्चा, अपने मां बाप के साथ एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिलने के इंतजार में है मासूम। असली रंग में तालिबान इमामों से कहा, जनता को सिखाइए सत्ता के आदेशों का पालन करना, अफगान नागरिकों को बाहर जाने से रोक रहा है तालिबान। अफगानिस्तान में अमेरिका के मदद करने वालों के साथ धोखा, अमेरिकी अधिकारियों ने तालिबान को सौंपी मददगारों की पूरी लिस्ट, अमेरिकी सेना की मदद करने वालों पर कार्रवाई कर सकता है तालिबान। अमेरिकी नागरिकों, ग्रीन कार्ड धारकों और अफगान सहयोगियों के नामों की सौंपी गई है सूची। पाकिस्तान में चल रहा है ISIS के खुरासान मॉडल का ट्रेनिंग कैंप, POK के एक्टिविस्ट ने किया है दावा, अफगानिस्तान में हमले के पीछे तुर्की और पाकिस्तान का हाथ। पाकिस्तान के DG ISPR के बयान ने किया इमरान सरकार को बेनकाब, पाकिस्तान ने दिया तालिबान को ट्रेनिंग देने का ऑफर। पाकिस्तान के मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है अफगानिस्तान में भारत की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे पाकिस्तान के खिलाफ, अफगानी सैनिकों को भारत ने दी थी ट्रेनिंग। काबुल में सीरियल बम धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़ी, अब तक 200 लोगों की मौत हो गई है जबकि 200 लोग घायल। काबुल हमले में 28 तालिबानी और 13 अमेरिकी जवानों की गई जान, एयरपोर्ट पर गुरुवार को हुआ था सीरियल ब्लास्ट। अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मारे गए 132 लोगों की अब तक पहचान नहीं। काबुल हमले पर ISIS का दावा, कहा आत्मघाती हमलावर ने अमेरिकी सैनिकों से महज 5 मीटर की दूरी पर खुद को उड़ाया। काबुल एयरपोर्ट हमले पर भारत की अध्यक्षता में UNSC में हुई है बैठक, UNSC ने की काबुल में सीरियल बम धमाकों की निंदा। UNSC ने मृतकों के परिजनों के प्रति जताई संवेदना, कहा आतंक के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल ना हो, अफगानिस्तान में आतंक से लड़ने की जरूरत। ISIS पर तालिबान की बड़ी कार्रवाई, तालिबान ने ISIS खुरासान के 3 आतंकियों को पकड़ा, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे आतंकी। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर फिर फायरिंग, हाईटेक हथियारों से की गई गोलीबारी, एयरपोर्ट पर भगदड़। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा काबुल धमाकों से हमारी चिंता बढ़ी, अफगानिस्तान के हालात पर भारत की नजर। अफगानिस्तान के हालात पर विदेश मंत्रालय ने कहा जो लोग आना चाहते हैं उन्हें लाया गया है, हम कई देशों के संपर्क में हैं, अगले हफ्ते विदेश सचिव अमेरिका जाएंगे। आज पीएम मोदी करेंगे जलियांवाला बाग स्मारक के पुनः निर्मित परिसर का उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 बजे होगा कार्यक्रम। आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, अपने लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा।
छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हुई बैठक। भूपेश बघेल ने कहा, राजनीतिक और दूसरे मुद्दों पर हुई बात। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद एआईसीसी मुख्यालय पहुंचकर कांग्रेस विधायकों से मिले सीएम भूपेश, कहा अपने नेता से मिलने दिल्ली आए हैं विधायक। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीएम भूपेश बघेल के समर्थन में लगे नारे, सर्व समाज ने सीएम बघेल को बताया जनप्रिय नेता। नवजोत सिंह सिद्धू की कांग्रेस आलाकमान को चुनौती, कहा फैसले लेने की छूट नहीं तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे, दिखावे का घोड़ा बनकर नहीं रहना चाहते। सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली ने दिया इस्तीफा, सलाहकार का पद संभालने के बाद मलविंदर सिंह माली ने दिए थे कई विवादित बयान। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर, दुष्कर्म के आरोपी बीएसपी सांसद अतुल राय की मदद करने का आरोप। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर पर आत्मदाह के लिए उकसाने के मामले में केस दर्ज, पत्नी नूतन ठाकुर के सामने जबरदस्ती ले गई पुलिस। अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, ट्वीट कर लिखा, भूतपूर्व पुलिस के विरुद्ध बीजेपी सरकार की पुलिस का अभूतपूर्व कार्य। टीवी एक्टर गौरव दीक्षित को ड्रग्स मामले में एनसीबी ने किया गिरफ्तार, गौरव के घर से कुछ दिन पहले बरामद हुई थी ड्रग्स। कोरोना के बढ़ते केस पर केंद्र ने केरल और महाराष्ट्र सरकार को लिखी चिट्ठी, त्योहारों में भीड़ के चलते संक्रमण बढ़ने को लेकर किया अलर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर से बढ़े कोविड के मामले, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 8 छात्राएं कोविड पॉजिटिव, मेडिकल कॉलेज और प्रशासन में मचा हड़कंप। उत्तराखंड के विकासनगर में मूसलाधार बारिश बनी आफत, सैलाब के बीच फंसे 20 लोग, एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। बोकारो में सजायाफ्ता कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई है, कैदी बोकारो की तेनूघाट जेल में सजा काट रहा था, घटना की सूचना पर कैदी के परिजन भी अस्पताल पहुंचे। बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए नकली शराब के धंधे का खुलासा किया है, कार्रवाई के दौरान नकली शराब के साथ कई सामान जब्त, एक आरोपी भी गिरफ्तार। शहीद जवान मनोहर कुंकल को सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई, चायबासा पोस्ट ऑफिस चौक पर जय हिंद जय जवान के लगे नारे, पैतृक गांव में दफनाया गया पार्थिव शरीर। सुपौल में रास्ते को लेकर विवाद, जमकर चले लाठी डंडे, महिला और पुरुष समेत 17 लोग घायल। पटना सिटी में किसान से 3 लाख रुपए लूटकर लुटेरे हुए फरार, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात, आरोपी की तलाश में छापेमारी जारी। कटिहार में मछली तालाब के 2 पट्टेदारों के बीच जमकर चली लाठी, हाईवे 31 पर एक दूसरे पर बरसाई लाठी, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, कुर्सेला थाना क्षेत्र के देवीपुर गांव का मामला। साइबर ठगी के मामले में दिल्ली स्पेशल पुलिस की जमुई में बड़ी कार्रवाई, चकाई से 4 साइबर अपराधी हिरासत में लिए गए, पीएम मातृत्व योजना का लाभ दिलाने के नाम पर 50 लाख रुपए की ठगी का मामला। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के शनिचरा मंदिर के पास स्थित तालाब से बोरे में बंद शव बरामद, हत्या में शामिल युवक के 6 दोस्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। समस्तीपुर पुलिस ने बालू गिट्टी के कारोबारी की हत्या के मामले में खुलासा किया है, पुलिस ने हत्या के 2 आरोपी को किया गिरफ्तार, 10 अगस्त को हुई थी कारोबारी की हत्या। मधेपुरा में फाइनेंस कंपनी के वर्कर को गोली मारकर 40,000 लूट करने के मामले में पुलिस ने किया खुलासा, गुप्त सूचना के आधार पर 3 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार, लूट के 1,000 रुपए बरामद। मुंगेर में नई दिल्ली से फराक जा रहे युवक की ट्रेन में तबीयत बिगड़ने के बाद हुई मौत, जमालपुर जीआरपी पुलिस ने शव को ट्रेन से उतारा, परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया। गया जिले के इमामगंज प्रखंड के छक्कर बांध पंचायत के नारायणपुर गांव में एक ही घर के कई लोग डायरिया की चपेट में आ गए हैं, वहीं घर के एक सदस्य की मौत हो गई है, इलाके में दहशत का माहौल। भोजपुर जिले के खजूलिया गांव में भी बाढ़ के पानी में डूबने से युवक की मौत हो गई, घटना गजराजगंज गोपी के खजूलिया गांव की है, पैर फिसलने के चलते हुआ हादसा। नेपाल के परसा में स्टील प्लांट में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, हादसे में 15 लोग झुलस गए हैं जिसमें से 14 भारतीय नागरिक हैं, 7 घायलों की हालत नाजुक बनी हुई। छपरा के मशरक में 2 बाइक के आमने सामने टक्कर, बाइक सवार 3 शख्स गंभीर रूप से घायल, घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। विक्रम थाने में 2 अलग अलग जगहों पर निजी स्कूल बस की चपेट में आकर 2 लोग जख्मी हो गए हैं जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया, बस चालक के खिलाफ कार्रवाई में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में छात्रा के साथ गांव के ही 2 मंचलों ने की छेड़खानी, घर से निकलने पर तेजाब फेंकने की दी धमकी।
दुमका में आपसी रंजिश को लेकर दो गुटों में भिड़ंत, एक गुट ने फायरिंग भी की, एक युवक घायल, पुलिस ने चार को हिरासत में लिया। धनबाद के कतरास में देर रात भर भराकर गिर गया है मकान, प्रशासन ने चलाया राहत और बचाव कार्य, मलबे से तीन लोग सुरक्षित निकाले गए बाहर, एक महिला की मौत। गिरिडीह के देवरी पावर स्टेशन में कार्यरत बिजली मिस्त्री की करंट लगने से हुई मौत, मुआवजा नहीं मिलने पर पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने जमुआ और चकई मुख्य मार्ग को किया जाम। लातेहार में एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कार्रवाई में ट्रक में लदा 30 बोरी डोडा बरामद, वहीं पुलिस ने दो तस्करों को किया गिरफ्तार। छपरा में सैनिक सम्मान के साथ एसएसबी जवान का हुआ अंतिम संस्कार, शव यात्रा में आसपास के गांव के सैकड़ों लोग शामिल। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस रामगढ़ के पतरातू पहुंचे हैं, पतरातू लेक रिजॉर्ट पहुंचने पर सरोवर विहार के परिसर क्षेत्र में उन्हें एक गार्ड ऑनर दिया गया है, वहां उनके पतरातू लेक रिजॉर्ट के मनोरम दृश्य का आनंद उठाया। ओडिशा में कार्यरत चक्रधरपुर रेल मंडल के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, अब बहुत जल्द चक्रधरपुर रेल मंडल के कर्मचारी का इलाज ओडिशा भुवनेश्वर में स्थित ओपोलो या आमरी अस्पताल में होगा। रांची में डिजिटल इंडिया के तहत सभी विश्वविद्यालयों में क्रियाकलाप डिजिटल मोड करने और साथ ही बढ़ावा देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जमशेदपुर शहर पहुंचे, इस दौरान उन्होंने सुनारी स्थित ट्राइबल कल्चरल सेंटर और दोराबजी टाटा पार्क का भ्रमण भी किया। एनएमसीएच में मरीजों को इलाज के लिए बेड भी नहीं मिल रहे हैं, जमीन पर किया जा रहा है इलाज, साफ सफाई नहीं होने से हर तरफ गंदगी का भी अंबार लगा हुआ है। विक्रम में हाईवे ट्रॉमा सेंटर रेफलर अस्पताल के करोड़ों रुपए से निर्मित भवन में चिकित्सकीय व्यवस्था अब तक बहाल नहीं हुई है, जिससे नाराज समाजसेवी दीपक कुमार अनशन पर। लखीसराय जिले के किसान यूरिया खाद की किल्लत से परेशान है, किसानों को धान रोपनी के बाद खेतों में उर्वरक का छिड़काव करने के लिए यूरिया और डीएसपी खाद नहीं मिल रहा है। सीतामढ़ी में डुमरा प्रखंड के लोगों ने सीओ की कार्यप्रणाली से आक्रोशित होकर प्रखंड कार्यालय परिसर में जमकर हंगामा किया, लगातार बारिश और बाढ़ से परेशान है लोग। देवघर बाबा मंदिर को खुलवाने के लिए पंडा धर्मश्रणी सभा और पुरोहित एक दिवस से धरने पर बैठे और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी। गोपालगंज के मांझा प्रखंड में सड़कों की हालत खराब होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बारिश की वजह से सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं, जिससे लोगों की समस्या बढ़ गई। धनबाद में पीडीएएस दुकानदार की ओर से कम राशन दिए जाने को लेकर ग्रामीणों ने किया है मुखिया का घेराव, ग्रामीणों को मुखिया ने हर संभव मदद करने का दिया भरोसा। सुपौल जिले के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है, एक ऑक्सीजन प्लांट के इंस्टॉलेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है, वहीं दूसरा प्लांट भी जल्द इंस्टॉल किया जाएगा। पटना के अशोक राजपथ को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने की कवायद शुरू हो गई है, डबल डेकर एलिवेटेड रोड बनाने का काम शुरू हो गया, एलिवेटेड रोड की लंबाई 2200 मीटर होगी। पटना के एएन इंस्टीट्यूट में आपदा से बचाव के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें आपदा प्राधिकरण के सदस्य पीएन राय ने जिलों से आईसीओ को जरूरी दिशा निर्देश दिए। किशनगंज जिले के किसान फलों की खेती में भी दिलचस्पी लेने लगे हैं, जिले के ठाकुरगंज प्रखंड और पोठिया प्रखंड के किसान अनानास की खेती कर अच्छी आमदनी कर रहे हैं। मुंगेर के जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने संग्रहालय सभागार में समीक्षा बैठक की है, बैठक में जल जीवन हरियाली और सात निश्चय के विषय पर चर्चा की। देवघर चैंबर ऑफ कॉमर्स और अन्य व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने देवघर एसपी से मुलाकात की, एसपी से मुलाकात कर इन्हें विधि व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन आज बेगूसराय पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बेगूसराय के डीएम और प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। शेखपुरा में एमबीआई ने विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया है, इस दौरान दो ओवरलोड ट्रक को जब्त किया गया है, अधिक भाड़ा लेने पर दो बस से जुर्माना भी वसूला गया है। बिहार में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही जिला प्रशासन चुनाव की तैयारी विधिवत शुरू हो चुकी है और इस दौरान जिलाधिकारियों ने कहा है कि जिला प्रशासन शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध है। गुमला के घाघरा प्रखंड में वाहन जांच अभियान चलाया गया है, इस दौरान कई वाहनों को कागज नहीं होने पर 40,000 रुपए वसूले गए।
शेखपुरा में एसपी कार्तिकेय शर्मा ने क्राइम को लेकर बैठक की, उन्होंने आगामी पंचायत चुनाव को लेकर विशेष दिशा निर्देश भी दिए। बोकारो के बाराफारी थाना क्षेत्र में रेप मामलों के आरोपी के घर की कुर्की जब्ती की गई है। महिला थाने में आरोपी के ऊपर नाम बदलकर शादी करने और रेप करने का आरोप है। आरबीआई दिसंबर में शुरू कर सकता है डिजिटल करेंसी का ट्रायल, चरणबद्ध तरीके से लागू होगी वर्चुअल करेंसी। दुनिया भर के 14% सेंट्रल बैंक चला रहे हैं पायलट प्रोजेक्ट। दुनिया का सबसे सफल सीईओ बने हैं टिम कुक। एप्पल कंपनी में गुजारे 10 साल, कंपनी का रेवेन्यू 2 लाख करोड़ रुपए के पार। अपने पैसेंजर व्हीकल्स कारोबार को अलग करेगी टाटा मोटर्स। एनसीएलटी ने दी है परमिशन, पिछले साल कंपनी ने की थी घोषणा। जैगुआर लैंड रोवर हुई है लॉन्च, कंपनी की सबसे तेज और पावरफुल डिफेंडर स्यूव होगी। शुरुआती कीमत 1.82 करोड़ रुपए। कुएप में 18 महीने में 1 करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा किया पार। यूजर्स 8 भाषाओं में शेयर कर सकते हैं पोस्ट। टेस्ट मैच की दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजों का बेहतर प्रदर्शन, शतक के करीब पुजारा। विराट कोहली भी जमे हुए हैं मैदान पर। लीड्स टेस्ट मैच की दूसरी पारी में रोहित शर्मा ने लगाया अर्धशतक, 59 रनों की शानदार पारी खेलकर हुए आउट। कपिल देव के सबसे ज्यादा छक्के मारने के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। क्रिस गेल ने कैरेबियन प्रीमियर लीग में मचाई तबाही, छक्का मारकर तोड़ा स्टेडियम की खिड़की का शीशा। फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलेंगे रोनाल्डो, 12 साल बाद इंग्लिश क्लब में हुई वापसी, 216 करोड़ रुपए में हुआ है करार। सलमान खान ने सोहेल के बेटे और अपने भतीजे के साथ शेयर की तस्वीर, सोशल मीडिया पर पोस्ट के साथ लिखा चाचा और भतीजा, सलमान की नई तस्वीर हुई है वायरल। नौरा फतेही ने अपने नए वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर बिखेरा जलवा, ब्लैक आउटफिट में नजर आई नौरा, फैंस ने की लुक की तारीफ। पिता बने अभिनेता अबाज शक्ति खुराना, पत्नी आकृति आहूजा ने दिया बेटी को जन्म, सोशल मीडिया पर खुद शेयर की गुड न्यूज। टीवी स्टार किशोर मचविन के घर गूंजी किलकारी, एक्ट्रेस ने बेटे को दिया जन्म, सोशल मीडिया पर तस्वीर हुई वायरल। सनी लियोनी के नए वीडियो का तहलका, फाइट सीन के लिए किया मेकअप, नाक के पास टमाटर की सॉस लगाती आई नजर। चलिए फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।